आदर्श नगर में राहुल का जो मर्डर हुआ है ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही दुखद घटना है और ये एक प्रकार से वैसा ही हत्याकांड है जैसा ध्रुव त्यागी जी का हुआ था दिल्ली में, अंकित सक्सेना जी का हुआ था, वो भी दिल्ली में ही हुआ था। उसी प्रकार का ये हत्याकांड मोहम्मद मनवर हुसैन ने और मोहम्मद राज ने राहुल को जिस प्रकार से 20 सड़क में छलनी कर करके मार दिया, बहुत ही दुखद है। मैं इस घटना की पूरी जांच हो, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए इसकी मांग करता हूं और साथ ही मैं ये मांग करता हूं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से कि जो मृतक हैं उनके परिवार को तुरंत ही कानूनी सहायता दी जाए और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की जाए। उनके घर का एक युवा बेटा, एक चिराग एक प्रकार से छीन लिया गया है उसको परिवार से, तो 1 करोड़ रुपए की मदद और कानूनी सहायता ये दिल्ली सरकार उनको प्रदान करे। हम लोग भी परिवार की मदद करेंगे और इस दुखद घटना में हम सब लोग परिवार के साथ हैं। धर्मनिरपेक्षता की जो बड़ी बड़ी बातें न्यूज चैनल्स पर अक्सर सुनने को मिलती हैं, उनका असल जिंदगी में कोई वजूद नहीं है, ये बात एक बार फिर से साबित हो चुकी है। राजधानी दिल्ली अंकित सक्सेना केस को अभी भूल भी नहीं पाई थी कि एक वैसी ही घटना ने दिल्ली को फिर से शर्मसार कर दिया है। अंकित सक्सेना केस तो आपको याद ही होगा, एक मुस्लिम लड़की के साथ इश्क करना अंकित को इतना महंगा पड़ा कि उसे दिन दहाड़े चौक पर लड़की के घर वालों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं अब दिल्ली के आदर्श नगर के रहने वाले राहुल को एक लड़की से बात करने की वजह से 10 से 12 लोगों ने इतना बुरी तरह से मारा कि उसकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महज 18 साल का राहुल आदर्श नगर इलाके में रहता था। वो DU के SOL से BA सेकेंड ईयर की पढ़ाई करने के साथ ही ट्यूशन पढ़ाता था, जबकि उसके पिता संजय पेशे से एक ड्राइवर हैं। राहुल की मां रेनू ने बताया कि घटना के दिन राहुल को फोन करके ट्यूशन की बात करने के लिए उसे घर बुलाया गया था। घर से कुछ ही दूरी पर राहुल के साथ मारपीट की गई। राहुल को इतना ज्यादा पीटा गया कि बुधवार देर रात राहुल की मौत हो गई। और तो और जब तक मामला मीडिया तक नहीं पहुंचा, पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की। मामला सुर्खियों में आते देख BJP के दिल्ली अध्यक्ष आदेश गुप्ता राहुल के घर पहुंचे और जल्द कार्रवाई का आश्वासन राहुल के परिवारजनों को दिया। दोषियों को जल्दी से जल्दी सबको गिरफ्तार किया जाए, उनकी कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक पर ये घटना चले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार से अपने मांग है कि आपको 1 करोड़ का मुआवजा परिजनों को दिया जाए, इसके लिए हमने मांग की है। इसके लिए हम पूरी तरह से उन पर दबाव बनाएंगे कि दिल्ली सरकार जल्दी से जल्दी मुआवजा आपको